दिख रहा है थोड़ा ऊपर से का, ऊपर से बीचों बीच रहा, ठीक है। ऐसे ही रखना। अरे ब्लेड से चलो अब इसको डाइसेक्ट कर देते हैं। अगर इसको डाइसेक्ट किया जाए तो ये इसकी गर्दन है, ठीक है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है। अगर इसको डाइसेक्ट किया जाए तो ध्यान क्या रखना चाहिए काटते वक्त? ये रहा इसका फोर लेग, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हैंड लेग एंड देन मिड लेग, सॉरी फोर लेग, मिड लेग एंड हैंड लेग। तो इसको जरा हटा दिया जाए। चिड़ा हो गया ठीक है, रेडी, ओके। तो मैं इसके पैर काटने जा रहा हूँ। अरे रुक जा, ठीक है, एक पैर कट गया। नाउ सेकंड लेग, मैं इसके दूसरा पैर भी काटने जा रहा हूँ। नाउ द सेकंड लेग, ये रहा। तो ये इसके आउट ऑफ कैमरा नहीं होना चाहिए, कैमरा आउट ऑफ कैमरा मत करना, ठीक है। तो ये इसके फोर लेग कट चुके हैं। नाउ जो कि किस पे मौजूद थे, इसके प्रोथोरेक्स पे मौजूद थे। इसके ये दोनों लेग्स, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, फोर लेग प्रोथोरेक्स पे मौजूद थे। नाउ नेक्स्ट पेयर ऑफ लेग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द मीसोथोरेक्स। तो अब हम उसके नेक्स्ट पेयर ऑफ लेग्स को काटने जा रहे हैं। सो उसके लिए थोड़ा सा इसको होल्ड टाइटली करना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉइंट है काफ़ी अच्छे से, एज वी नो नेचर का करिश्मा। तो ये इसका सेकंड पेयर ऑफ लेग काट गया। आई होप कि मैं इसके किसी भी हिस्से को डैमेज ना कर दूँ, ओके। प्रोथोरेक्स के बाद ये मीजोथोरेक्स लेग्स, जो कि देख सकते हैं आप कि साइज में इससे ज़्यादा बड़े हैं, ओके। अब ये फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है, उसके बाद ये सेकंड पेयर ऑफ लेग है, राइट। थोड़ा सा करीब से दिखाओ, यस, ये फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, ये सेकंड पेयर ऑफ लेग्स कट चुके हैं। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स अब क्लियरली नज़र आ रहा है। उसके बाद नाउ लास्ट वन इज मेटाथोरेक्स, जिसके ऊपर हैंड लेग्स आर प्रेजेंट। तो हैंड लेग्स वाले को काट देते हैं अब, ठीक है। इसके लिए इधर साइड से ये कट गया इसका हैंड लेग, ठीक है।
So, bisection of cockroach. This is the last pair of legs which we have cut just now. ठीक है. थोड़े से करीब से दिखाओ. ओके, ये पैर भी दिखने चाहिए. ठीक है, थोड़ा करीब दूर से ही दिखाओ. दिख रहा है? फोटो भी क्लिक कर लेना साथ साथ में, जब क्लियर आ जाए तो. ठीक है, नाउ इसमें क्या है, दूर से दिखाओ, मैं जरा बोल दूँ. फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है, सेकंड पेयर ऑफ लेग्स एंड थर्ड पेयर ऑफ लेग्स. देखो साइज जो है, सबसे फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स के सबसे प्रो, ये जो फोर लेग है उसका साइज छोटा है, मिड लेग उससे बड़ा है और हाइंड लेग जो है सबसे बड़े हैं. अच्छा, ये चीज़ गौर करो, ये अभी क्या हो रहा है, इनकी मूवमेंट अभी भी शो हो रही है. देखो इनकी मूवमेंट अभी भी शो हो रही है, जबकि इन्हें बॉडी पार्ट से अलग कर दिया गया है एंड स्टिल दे आर शोइंग द मूवमेंट. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न? चलो देखते हैं आगे. अब कॉकरोच को का हम डाइसेक्शन कर सकते हैं आराम से. ये रहा भाई इसके विंग्स. देखा जरा, अभी इसको नहीं लग रहा, गलत है ना? ठीक है, क्यों लेते जान बचाने? शांत, ये देखो लेग्स की मूवमेंट शो हो रही है यहाँ पे, ये जबकि बॉडी पार्ट से अलग हो चुके हैं. अब इसमें हम जो कट लगाने वाले हैं वो जस्ट इसकी बॉडी के सेंटर के होते हुए यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, और इसका फिर ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट, सॉरी गिजर्ट नहीं होता, ईसोफेगस, क्रॉप, जो भी है वो सब को सब निकालेंगे. राइट, ब्लेड बिल्कुल नया है तो कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. चलो स्टार्ट करते हैं. और मैं इसकी गर्दन नहीं काटने वाला, ये जिंदा रहेगा. स्टार्ट करें. इसको ना इधर सीधा कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा ना इधर से आ जाओ, क्योंकि ऐसे लिखेगा. ओके, वीडियो शूट हो रहा है. राइट, अब जरा इसको काट लिया जाए. हाँ बन नहीं रहा. इसके एब्डोमेन को काट करके देख लेते हैं पहले, इसके बाद इसके बाकी के हिस्से को काटेंगे. बस एक पतला सा कट लग जाए भाई. बाहर ना आ जाए हे भगवान, इतनी मेहनत करी है, बस बाहर मत आ जियो. तेरे से ना दर्द.
बिना डैमेज करे काटना आसान नहीं है। शुभ मत कर अभी, रुकते हैं बिना। और अगला डाइसेक्शन करेंगे हम इसका, आप देख रहे हो बड़ी खुशी के साथ देख रहा है वो, मतलब 4 दिन बाद आएगा। बिना डैमेज किए सारा ये कटेगा ही नहीं। यहाँ पे कर जरा जूम दूसरी वीडियो बना।